ठीक है, क्या है यहाँ पर, वाई क्यू लिखा हुआ? सर ये ब्रेकआउट तो कंटिन्यूएशन वाला हुआ था, तो यहाँ पर रिवर्सल क्यों हुआ ये पूछना था। कैसे आपको पता चला कि ये कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट है? सर अगर आप इसके पहले कैंडल देखेंगे, स्पिनिंग कैंडल ने इसके लेवल को टच कर लिया, फिर उसके बाद रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करा, तो इसके बाद तो सेलर्स आने चाहिए थे। नहीं क्या खाली ये एक लेवल में? सर, इसके नीचे भी एक लेवल है, उसने भी ब्रेक कर दिया था उसको। नहीं, मैं ये आप पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कितने लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल है? क्या स्पिनिंग कैंडल ने इसको टच किया है ऊपर से? नहीं सर, बस फिर नहीं होगा, कंटिन्यू ऐसे करती ना टच, ठीक है, और फिर ऐसे ब्रेकआउट यस सर, होता तो फिर कंटिन्यू करती, ठीक है, या फिर कंटिन्यू ओके सर, करती सर एक यस सर, ठीक, ऐसे, मतलब ऊपर वाले लेवल को। अब यहां पर इस लेवल को तीन कैंडल ने ब्रेक किया है, कितनी ने? तीन ने मिलकर ब्रेक किया है, तो तीन यहां पर ये ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं कहलाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट जो है ना वो आपका नहीं कहलाएगा। कौन सा वाला? स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, क्योंकि मार्केट किस में चल रही है? रेंज में रेंज। चल रही है, और रेंज में प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये चल रही है इसी तरीके से, ठीक है, ये भी फेक फेक हो गया, फिर मार्केट वापस नीचे आ रही है, मार्केट रेंजिंग के अंदर। आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पड़ेगी कि ऐसे ब्रेकआउट होगा तो फिर हम इस सूरत में क्या करेंगे, ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा। और सर एक जगह जंप फेल हुई थी, वो थर्ड वाली वीडियो है और पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या नहीं है सर, ये तो समझ आ सर, जी? ये वाला डाउट क्लियर हो गया था यहाँ पर। सर सर यहाँ पर बायर्स ने जंप करा, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स क्यों इंटर हो गए, क्योंकि ठीक है, यहाँ तो बायर्स को जरूरत थी। यहां पर बायर को जरूरत थी और बायर ने जंप किया, ठीक है, ये जंप कहां पर यस होना सर, चाहिए था? इस लेवल के ऊपर होना चाहिए था, राइट, तभी लेवल स्टिप होती ना, या फिर इस लेवल से, यस सर, या फिर इस लेवल के नीचे से जंप डाउन करके राउंड नंबर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाते, ऐसे होता ना। हाँ, तो इन्होंने जंप लगाया, वो भी शॉर्ट, वो भी रेजिस्टेंस के अंदर ही जंप लगाया, फिर रेजिस्टेंस में तो सेलर है, फिर वो बायर को कैसे मौका देंगे आने का? जंप फेल हो गया इसका, बायर का, तो सेलर के फेवर में चला गया जंप, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर जंप तो नहीं लगना चाहिए, जंप तो लगना चाहिए फिर ऊपर, ठीक है, या तो लेवल के ऊपर लगना चाहिए या यस फिर सर, ओवरलैप बनना चाहिए, ये दो सूत्र हों तो फिर समझ मार्केट गया सर, कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके सर, सब आ गए, अभी स्टार्ट करते हैं, आज मास्टर स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। हाँ आज मास्टर स्ट्रेटजी। देखें, हम मास्टर स्ट्रेटजी जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर है, ठीक है, जो सब लोग करते हैं ना हम वो नहीं करेंगे, जो हर एक बंदा करता है हम वो काम नहीं करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई, ठीक है, और किसी पास्ट रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, सही हो गया, फिर किसी और सपोर्ट की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, और कैंडल कहां पर रुकती है? पिछली एसएनआर के पास, यहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रही, फिर सपोर्ट पे मार्केट रहती। अब देखें, फॉर एग्जांपल, एक रेजिस्टेंस लेवल कहां पर थी? ये पास्ट की रेजिस्टेंस लेवल थी, मान लीजिए, पास्ट की ये रेजिस्टेंस लेवल थी, हम यहां पर लेवल लगा लेते हैं, ये पास्ट की लेवल, जब पास्ट की लेवल से एक दफा प्राइस नीचे गिरी तो सेलर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कौन से सेलर का? रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स यहां पर क्या समझेंगे?
मार्केट एक दफा इस रेजिस्टर को फॉलो किया है। अगर यहां पर 500 सेलर थे तो यहां पर कितने आएंगे सेलर? बहुत ज्यादा आएंगे 2000 सेलर आ ना। सकते, राइट? वो सोचेंगे कि ये लेवल ऐसी है, एक दफा रेस्पेक्ट किया है, दोबारा प्राइस इसके अंदर क्लोज हुई तो अब भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया? यहां पर बहुत सारे सेलर एंटर होंगे। सेलर एंटर जैसे होंगे, कौन एंटर होगा? रिटेलर्स एंटर होंगे। रिटेलर्स अब एक्टिव कौन हो जाएगा? इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में, वो मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट में जब एंट्री करते हैं ना, एंट्री के बाद हम एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट प्राइस जाए तो मेरे मेरा नुकसान थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए। अब जो लोग यहां पर सेल करेंगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर करके यहां पर क्या बनाएंगे? अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। यहां पर सेल किया है, अगर प्राइस नीचे गई तो गुड है, अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट चली गई तो यहां पर हमारा नुकसान छोटा सा हो जाए, 5 पिप 10 पिप का हमारा नुकसान हो जाए, हम क्योंकि ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहां पर क्या लगाया होगा? एसएल लगाया होगा। अब किसको पता चलेगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करता है, किसकी साइकोलॉजी पढ़ता है? रिटेलर्स की साइकोलॉजी पढ़ता रिटेलर है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने सोच लिया कि अगर बहुत सारे रिटेलर्स यहां से एंटर हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तो एंटर हुए नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के रूल्स अलग होते हैं, वो तो मार्केट में एंटर नहीं हुए, तो इनको पता है, लेकिन रिटेलर्स को पता नहीं होता कि कौन एंटर हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन इनको पता है कि हम एंटर नहीं हुए मार्केट में, तो कौन एंटर हुआ है? रिटेलर्स एंटर हुए। रिटेलर अब रिटेलर के लिए क्या बनेंगे? ट्रैप। आप और ऐसा ट्रैप बनेगा, आप खुद बताएंगे, देखना। अब क्या होगा, जब रिटेलर ट्रेडर के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो खुश हो रहे थे कि देखो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, हम बहुत सही जगह पे एंटर किए हैं, ऐसे ही सोचेगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्या हो गया, अब रिटेलर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ ओ ब्रेकआउट, क्या हो गया? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट रिकॉर्ड जिस रिटेलर ट्रेडर ने सेल किया था, अब वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? क्योंकि हम तो अब लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रही है। और ऐसे ही जो मार्केट में पहले एंटर नहीं हुए थे रिटेलर, तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा हुआ कि इस रेजिस्टेंस पे हम एंटर नहीं हुए थे, अब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो इसका मतलब है मार्केट को कहां जाना है? ऊपर ऊपर। सब क्या करेंगे इस ब्रेकआउट के बाय। ऊपर? बाय करेंगे। जब बाय करेंगे, यहां पर हर कोई बाय करेगा, राइट? तो ये बाय करेंगे, तो इस बाय यस से लो कहां पर है? ये है लो। तो जो भी बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये यस सर बायर ने स्टॉप लॉस लगाया यहां पर, और सेलर ने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया? इससे ऊपर। अब मार्केट ब्रेकआउट करके जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे कि ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, अब बाइनरी के अंदर जो ट्रेडर है वो भी क्या करेंगे, ब्रेकआउट ऊपर हुआ है यार, दो लेवल ब्रेक हुई है, इतना स्ट्रांग लेवल लग रहा है, यहां से 5 मिनट के लिए बाय करो। बाइनरी का ट्रेडर ऐसे सोचेगा, इस ब्रेकआउट के ऊपर क्या करो, 5 मिनट के लिए बाय करो। वो बाय करेगा 5 मिनट के लिए, मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहां से ऊपर जाके एक पैटर्न बना लेगी। उसके बाद कहां ब्रेकआउट हुआ, अभी नीचे की तरफ, जिन्होंने बाय किया था पहली कैंडल ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट हुई, और उसके बाद क्या आ गया, सेल। और जो यहां पर सेल कर चुके थे, इन सब का क्या हो गया, स्टॉप लॉस। हिट हो गया।
हंट हो गया, क्या हो गया? स्टॉप लॉस, हंट। हाँ हंट का मतलब जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए थे सब के सब हिट हो गए, मार्केट से गायब ये वाले ट्रेडर। क्या करके गायब हुए, प्रॉफिट करके या लॉस करके? लॉस करके गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद सेलर नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इन बायर ने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया है? यहां पर, ये मार्केट यहां तक आएगी और ये इस लेवल को भी हंट करेगी, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर लगे होंगे। क्या हो गया मार्केट के अंदर? बायर जिन्होंने बाय किया था वो भी मार्केट से आउट। आउट बचा कौन? इंस्टीट्यूशनल यहां से मार्केट उठेगी, अब ना बायर इंटर होगा ना सेलर इंटर होगा, और मार्केट स्ट्रांगली करके ऊपर की तरफ चली जाएगी, किसी को कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मार्केट ऐसे ऊपर चली जाएगी। इन रिटेलर्स को भी नुकसान, जिन्होंने सेल किया था, जिन्होंने बाय किया था उनको भी नुकसान। बाय वाला बोलेगा ओ माय गॉड क्यों हमने निकाले, मार्केट तो वापस ऊपर जा रहे। अब दोनों को हिम्मत नहीं होगी कि इंटर होने के लिए, ये एक साइकोलॉजी थी। लेकिन हमारा काम क्या है, अब हम अपने काम के ऊपर आ जाते हैं। अब ये जिसको साइकोलॉजी समझ में आ गई उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आई जबरदस्त नहीं है कि इसको समझो साइकोलॉजी को। अब मैं उसको आसान करके आपको बता रहा हूं कि आपने समझना क्या है, बस वही चीज को देखो, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल है और ये फॉरेक्स के लिए होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रेडर है वो समझ गए, बस यही काफी है उनके लिए, इतना सारा, क्योंकि ये फॉरेक्स का है कॉन्सेप्ट, आप इसको भी छोड़ दें। चलो अब यहां से हम समझते हैं। हमारे पास एक लेवल थी जो एक जगह पे रेस्पेक्ट हुई, मतलब इक्वल हाइज, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल हाई बोलते हैं। इक्वल हाई के लेवल के ऊपर क्या हुआ? पहला ब्रेकआउट नंबर वन। हम कभी भी पहले ब्रेकआउट के ऊपर एंटर नहीं होंगे, हम कभी भी पहले ब्रेकआउट के ऊपर एंटर नहीं होंगे, नहीं होंगे हम इंतजार करेंगे कि दूसरा ब्रेकआउट हो जाए उसी लेवल का वापस। जैसे दूसरा ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा उसी लेवल का, हम यहां से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। अगर ये वापस नहीं आए, ये पहला ब्रेकआउट वापस नहीं आए, क्या हम ट्रेड में होंगे? नहीं होंगे ट्रेड में, ना तो हमें कोई नुकसान है? नहीं होगा। सर अगर हम बाय करेंगे, अगर वापस आ गया तो नुकसान होगा ना। तो हम इसलिए जब एक ब्रेकआउट फेल हुआ तो दूसरा ब्रेकआउट क्या करेगा? वो सक्सेसफुल होगा। हमारी लॉजिक ये है कि एक ब्रेकआउट को फेल होने देंगे, जैसे वो फेल होगा ब्रेकआउट, हम दूसरे ब्रेकआउट के अंदर एंटर हो जाएंगे और मार्केट को 5 मिनट के लिए नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मार्केट नीचे आएगी, हम 5 मिनट का ट्रेड करेंगे। कैंडल 1 मिनट की, एक्सपायरी 5 मिनट का। अब इस कॉन्सेप्ट को यू समझिए, इक्वल लेवल्स, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल, इक्वल लेवल्स हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल हाई, हाँ इक्वल हाई है। इक्वल हाई से मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद मार्केट इस इक्वल हाई को ब्रेक करेगी। हम ब्रेक करने पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे दोबारा नीचे ब्रेकआउट हो जाए तो 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी। और इसी तरीके से एक लेवल है, दो दफा टेस्ट होती है। अब क्या हो गया मार्केट के अंदर? ब्रेक डाउन हो गया। अब हर कोई ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड करेगा। जैसे कि अभी मैंने एक पिक्चर शुरू शुरू में एक क्यूरी ली थी, वो ब्रेक डाउन हुई थी दो लेवल को टच करने के बाद। ब्रेक डाउन होके यस ब्रेक अप हुआ और मार्केट ऊपर गई थी या नहीं गई थी? यस सर गई थी अब हम उसी पिक्चर के पास चलते हैं, ठीक है। अब बताएं क्या ये दो लेवल इक्वल हैं? यस और ये लेवल नीचे ब्रेकआउट हुई है, सर ये लेवल ऊपर ब्रेकआउट हो गई, यस यहां सर से 5 मिनट का ट्रेड करता विन होता नहीं होता?
होता सर है सच। जी सर, होता आपने ऐसे जी देखना है कि दो लेवल बने वो नीचे ब्रेकआउट हो जाए, ये फेक ब्रेकआउट है। ये क्या है? फेक ब्रेकआउट है, अरे रेंज ये डाउन करेगा। एक्यूरेटी हंट होता है, इसको स्टॉप लॉस हंट है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, मार्केट को ये सेल का सबका स्टॉप लॉस हंट करना है, नीचे गिरा के ऊपर उठाएंगे मार्केट को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया होगा। स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद क्या ऊपर की तरह ऊपर की तरफ दो लेवल हैं कि नहीं है? देखें, हैं? यस सर है। राइट हो गया, तीन लेवल हो गई, ऊपर ब्रेकआउट हो गया, नीचे का ब्रेकआउट हो गया। हम उस हिसाब से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, कभी अगर लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा 5 मिनट के लिए ट्रेड करो। फिर क्या करो, दोबारा आप 5 मिनट के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पहली पहली दफा आप यूज करोगे। देखो मार्केट गिर रही है कि नहीं गिर रही है, वापस ऊपर का ब्रेकआउट करके फिर नीचे की ब्रेकआउट, नीचे का ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा काम ये रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, इक्वल हाई एंड इक्वल लो दो लिक्विडिटी हंट। इक्वल अरे रेंज में ज्यादा काम करेगी, रेंज पर। अरे हाँ, उसमें भी आते हैं ब्रदर, इक्वल हाई एंड इक्वल लो 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 स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर क्या 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 बोलो यहां पर, या फिर लिक्विडिटी आप हंटिंग। लिक्विडिटी हंट बोलो, जो आपका दिल चाहे उसको बोलो। सर इसको एसएमसी भी बोलते हैं क्या? एसएमसी के तो अंदर है, ये एक छोटा सा टॉपिक है अच्छा भाई। एसएमसी एक कोर्स है सर का, सर का एसएमसी कोर्स है, उसके अंदर ये छोटी चीजें है, मास्टर सी स्ट्रेटजी है। ठीक सर, ठीक है भाई। है, बाकी मतलब इसके अंदर ऐसे इसी किस्म के ऐसे मतलब, अब ये ना जैसे ये आप लोगों को मैंने एक बताया कि कैसे रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, कैसे बैंक इंटर होता है, कैसे लोगों का पैसा खींच लेते हैं अपने पास, तो ये वाली जो थिंकिंग होती है ये हमारे स्मार्ट ट्रेडर के पास होती है। तो वहां से एक छोटी सी स्ट्रेटजी हमने निकाल ली कि हम बाइनरी ऑप्शन के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। और देखें आप यही है सर, यही है एमएम स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी एमएम स्ट्रेटेजी है सर, यही यही बात बताइए। हाँ आप दूर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा करीब से बात करें, समझ में नहीं आ रहा, आवाज दूर दूर से आ रही है। देखें सर सर, वो मैं कह रहा हूँ ये मास्टर एमएम स्ट्रेटेजी यही है। मास्टर स्ट्रेटजी। हाँ ये हाँ है या यही है, दूसरी बताएंगे? यही है, यही है, अच्छा यही है। सर, हाँ वही। ठीक है, अब हाँ सर, ये ब्रेकआउट नीचे 5 मिनट के लिए कंटिन्यू करेगा, इसका कितना परसेंट है? पचपन परसेंट 55। लेकिन नीचे ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट हो, मतलब नीचे का ब्रेकआउट फेल हो गया और ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, तो इस ब्रेकआउट का कितना परसेंट है? 35। 85%। तो जो जिस पे कम चांसेस हैं हम उस वाली स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेंगे, जिसके ज्यादा चांसेस हैं हम उस ब्रेकआउट को यूज करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे सेटअप हैं, ये तो दो सिंपल सेटअप हो गए, ये क्या हो गए, दो सिंपल सेटअप हो गए। यहां पर ट्रेड किया, यहां पर ट्रेड किया, इनको नाम बोला एक्चुअल हाई, ये हमारा हो गया एक्चुअल, हाय, लो और ये एक्चुअल हाँ लो। अब आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि यार बिल्कुल एक्चुअल होने चाहिए, 19-20 का चलेगा, 19-20 का चलेगा, लेकिन 15-20 का नहीं चलेगा, इतना ज्यादा फर्क ना हो कि एक टॉप यहां पर है और एक टॉप यहां पर है। अब ये मिल रहा है आपस में? हाँ, नो सर, नहीं सर, ये नहीं, ये एक्चुअल हाई नहीं है। ठीक है, ओरिजेंटल सा मिलना चाहिए, ओरिजेंटल हॉरिजेंटल सही। जोन मिलनी चाहिए, चलेगा। कैसे? अगर इसका इवेक यहां पर है तो भले ये अगर यहां पर बनती है, थोड़ा सा ये इसकी बॉडी नीचे है, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी
ऊपर मिल रहा है तो ये एक चौथाई हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है, कि इस एक जोन पे मार्केट चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रिलेवेंट इक्वल हाई, क्या होता है रिलेवेंट इक्वल हाई और रिलेवेंट इक्वल लोस, इसके ऊपर सही से लिखते हैं ताकि आप अपने पास ये स्क्रीनशॉट सेव कर लें। ये हो क्या इक्वल, सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता सर। हाँ मैं भेजूंगा ना, इक्वल हाइस, और ये हो गया हमारा इक्वल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिलेवेंट को, इसको पढ़ते हैं रिलेवेंट, बिल्कुल रिलेवेंट कैसे लिखेगा देखिए, ये क्या हुआ, ये हाई और ये हाई कौन सा हाई है, रिलेवेंट लोअर हाई, रिलेवेंट इक्वल हाई, ठीक रिलेवेंट। है। पर ये रिलेवेंट का मतलब क्या है सर? मतलब बराबर नहीं है लेकिन ऊपर नीचे है, ठीक है। अब इसका भी लिक्विडिटी हंट होगा, कैसे, ऊपर गया नीचे आया, यहां से 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट ऊपर होने दो, फिर एक ब्रेकआउट नीचे होने दो, इसी तरीके से ये हमारा क्या बना, रिलेवेंट इक्वल डिले लोज, लो। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन से यूज करेंगे हम, ये कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन से, ठीक उसके बाद ट्रेंड कंफर्मेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ट्रेंड ट्रेंड कंफर्मेशन कंफर्मेशन, इसी के अंदर ही ट्रेंड कंफर्मेशन। आपको सेकंड लास्ट लो मुझे या सेकंड लास्ट हाई मुझे बताना है, ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हमारे पास तीन हाई है, हमारे पास कितने हाई हैं इसमें, तीन। तीन थी मोस्ट रिसेंट हाई कौन सा है, वो थर्ड वाला सब। ये नंबर थर्ड वाला, हाँ ये तीन नंबर वाला मोस्ट रिसेंट हाई। सेकंड लास्ट हाई कौन सा है, और ये सेकंड नंबर वाला मिडिल वाला, सेकंड लास्ट हाई, सबको समझ में आया या नहीं आया, जी सर। क्या पॉइंट याद रखनी है, सेकंड लास्ट हाई को याद रखना है, सेकंड लास्ट हाई, ठीक ये सेकंड लास्ट हाई याद रहेगा, है, हाँ सर, यस सर, सेकंड लास्ट हाई के ऊपर एक लाइन लंबी सी खींच लो, खींच जी सर, ली, यस सर, भले उसको कैंडल ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, कर ले, हमने ठीक, सेकंड लास्ट हॉरिजॉन्टल, हाई के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन एक लगा देंगे, उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी पॉइंट तो है ना, ये ए पॉइंट तो जी ये बी पॉइंट है ना, हाँ जी यस सर, हमने ट्रेंड लाइन भी खींच ली, हमने सेकंड लास्ट हाई के ऊपर लाइन खींच ली और उसके नीचे ट्रेंड लाइन खींच ली, अगर ये लाइन प्लस ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेकआउट होते हैं तो ट्रेंड चेंज हो गया, ये हॉरिजेंटल प्लस ट्रेंड लाइन, ये दोनों ब्रेक होते हैं नीचे तो क्या हो गया, ट्रेंड चेंज। चेंज हो गया। मैं ये क्या मानूंगा कि ये एक सिंगल लेवल का क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हुआ, इसको मैं क्या मानूंगा कि सिंगल लेवल का क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हुआ। यहां पर लिक्विडिटी कितनी लेवल का लिक्विडिटी हंट हुआ, दो लेवल का, यहां पर कितनी लेवल का दो लेवल, लिक्विडिटी हंट हुआ, दो लेवल का, यहां पर कितनी लेवल का लिक्विडिटी हंट हुआ, दो लेवल का, यहां पर कितनी लेवल का लिक्विडिटी हंट हुआ, दो लेवल का, यहां पर कितनी लेवल का, एक लेवल का लिक्विडिटी हंट हुआ, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, जब भी ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होती है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है,
और साथ में हॉरिजेंटल लेवल भी ब्रेक हो तो डबल कंफर्मेशन, ऊपर से लिक्विडिटी हंट में समझूंगा इसको कि ये लिक्विडिटी हंट हुआ, यहां पर स्टॉप लॉसेस थे वो हंट हो गए, अब यहां से प्राइस नीचे जाएगी तो 5 मिनट के लिए कम से कम तो नीचे गिरेगी गिरेगी, हम सेल करेंगे यहां पर। इसी तरीके से मुझे यहां पर सेकंड लास्ट लो कौन सा है बताइए, लो सेकंड लास्ट लो कौन सा है? सर ये मिडिल वाला मिडिल वाला। सबको समझ में आ जी गया हाँ ये सेकंड लास्ट लो होता है? हाँ, जी सर इसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी यस लगाने आ जाएगी, यस ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो ये भी पता चल जाएगा बाय जी का सर सेटअप फाइनल रेडी है, 5 मिनट के जी लिए बाय करें, पांच सर मिनट के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करना है या डायरेक्ट बाय? बस रिट्रेसमेंट के लिए 5 मिनट का तुम ट्रेड कर रहे हो ना, 1 मिनट का करते तो फिर तो बोलते, लेकिन 5 मिनट के लिए भले कोई रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है, आएगी नहीं, ओके सर आएगी भी तो तब भी ट्रेड ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या पता चला हमें, ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ साथ हमने एंट्री भी कर ली। अब जब ट्रेंड जी डाउन की तरफ चला गया, अब ट्रेंड किसकी तरफ चला गया? डाउन की डाउन, तरफ बस डाउन चला गया तो सेल करेंगे, बाय कभी भी नहीं करेंगे, जो भी एंट्री मिलेगी सेल की एंट्री करेंगे, बाय की एंट्री फिर नहीं करेंगे, इग्नोर इग्नोर करेंगे। जब बाय का ट्रेंड बन गया तो अब बाय की एंट्रीज करेंगे, सेल की एंट्रीज इग्नोर, काउंटर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, काउंटर ट्रेडिंग नहीं नहीं करेंगे। करेंगे इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने बहुत गौर देना है। अब मैं वन बाय वन आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर ये मैंने पिक्चर 2 दफा सेव कर लिए, आप लोगों को मिल जाएगी। ओके सबसे पहले ट्रेंड कंफर्मेशन, क्या ट्रेंड कंफर्मेशन सेकंड लास्ट हाई कौन सा है यहां पर मुझे बताइए। हाँ सर वो सर वो जो मिडिल ऊपर में जो लाइन है वो मिडिल मिडिल में वाला है? मिडिल हाँ, में जी सर जी सर यस सर इसकी इसकी विक के ऊपर लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे? एक लाइन लगाएंगे विक के ऊपर, याद रखिएगा। हाँ, जी सर यस सर नीचे से क्या लगाएंगे? ट्रेंड लाइन इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, कितने मिनट का ट्रेड करेंगे? यहां पांच पर और आपकी एंट्री है, विन पांच हुआ लॉस हुआ, विन हो गया उसके बाद ट्रेंड नीचे आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर नीचे आ रहा आ गया, ठीक है। सर इस तरीके से सेल अब किसकी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे? की सेल रिलेवेंट इक्वल हाई भी मिलेगा और इक्वल हाईज भी मिलेंगे, दो वाले। हाँ, और नीचे के ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी और भी चीजें मिलेंगी सेल के लिए, बाय के लिए नहीं। और साथ में अब ये कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो कौन से पैटर्न यहां पर काम करेंगे? बेयरिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद पता चला कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो अब कौन से पैटर्न यूज करेंगे? साइकोलॉजिकल पैटर्न जो बियरिश है, तो बियरिश साइकोलॉजिकल पैटर्न के लिए आप लोगों के लिए ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं दी थी ना मैंने कि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो अब यस डाउन ट्रेंड हो गया तो इसका मतलब है कि अब यहां पर सेल के पैटर्न यूज किए जाएंगे, बाय के पैटर्न यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है? सर और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यूज की जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यूज की जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यूज नहीं की जाएगी, ओके ठीक हो गया? सारी स्ट्रेटजी सेल की यहां यस पर यूज करेंगे हम, ठीक है? अब उसके बाद आगे कब ट्रेंड चेंज होता है मेरे पास, अब मैं यहां से बनाता आऊंगा, ये तरीका याद रखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं लगाऊं कहां से, कैसे लगाऊं, ये तरीका आप लोगों को मैं अब बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। देखिए यहां के लिए सेकंड लास्ट लो कौन सा है? ये है, ठीक है? बहुत दूर जाके ब्रेकआउट होता है, बहुत दूर जाके ब्रेकआउट होता है। अब ये यहां पर ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड लाइन कहां पर ब्रेकआउट होती है? वो यहां पर होती है, क्या दोनों एक दूसरे के करीब हैं? नहीं सर नो सर करीब नहीं है तो फिर मतलब मार्केट रिवर्स करेगी, ये फेक हो जाएगा, ये फेक हो फेक हो जाएगा, जाए मतलब ट्रेंड फेक लाइन और
ये मोस्टली करीब होगा, देख रहे हैं, ये दूर दूर नहीं होना चाहिए। कि पहले एक कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, दूसरी यहां पर, चलो थोड़ा सा तो करीब होने चाहिए, लेकिन ये बहुत दूर है एक दूसरे से। उसके बाद देखिए, जी यहां से हम ये भी ले सकते हैं, ये एक सेकंड लास्ट लो है और ये एक लास्ट लो है, राइट। सेकंड लास्ट लो यहां पर हमारे कहां है, ये वाला अगर हम काउंट करें, फिर मार्केट में हम ये वाला काउंट करें, तो ये कब ब्रेक हुआ, हुआ ब्रेक। जी सर, सातवें ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, जी सर, मार्केट कहां जाएगी अब, ऊपर के लिए, और 5 मिनट के लिए हम बाय करेंगे यहां पर। उसके बाद कितनी बाय की इंक्रीज होगी, देखें, टचिंग ब्रेकिंग, मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी ना। ठीक सर। है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अब यहां से मार्केट में सेकंड लास्ट हाई, बीच में नहीं बोलिएगा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें जो ऐड करनी है, हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए। सेकंड लास्ट हाई का लो, हाई कहां पर है, ये है ना, फर्स्ट जी सर, हाई और सेकंड हाई में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। बहुत। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो इसका मतलब है इस जगह पे रेंज बनेगा, क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर ये ब्रेक हुआ, कहां पर ब्रेक हुआ, यहां पर, ये सेकंड लास्ट हाई है, ब्रेक कहां पर हुआ, यहां पर, राइट। और ट्रेंड लाइन कहां पर ब्रेक हुई, यहां पर, कितना डिफरेंस है, तो काफी ज्यादा जी ये मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सर, फेक हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ वापस चली जाएगी मोस्टली। इसको कहां पर होना चाहिए अच्छा था, इसको इसके साथ होना चाहिए था, ये तकरीबन दोनों साथ में होने चाहिए थे, नहीं तो अब ये रेंजिंग मार्केट चली, क्या मर्जी मार्केट चली, रेंजिंग। ठीक है, सर, यहां पर देखिए, ये कौन सा ब्रेकआउट, ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, बताइए जी सर, ना, नाम बताइए इसका, फर्स्ट है, सेकंड सेकंड है, हाई, सेकंड सेकंड लास्ट है, हाँ, लास्ट कहां पर ब्रेक हुआ, यहां पर, है ना, सेकंड और ट्रेंड लाइन कहां पर ब्रेक हुई, यहां पर, डिफरेंस डिफरेंस है सर। है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगी, जैसे पिछली दफा गई थी, जैसे यहां पर गई थी, हाँ, ये मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब बताइए, ये हाई और ये हाई, कौन सा सेकंड लास्ट है, ठीक मिल वाला है, अब ये विक के साथ मिल रहा है, अगर मैं थोड़ी टेक्निक करूं, मैं यहां पर इसको बॉडी के साथ ये कर दूं, ओपन के साथ कर दूं, मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, अगर इस तरीके से लेवल हो तो मैं इसको, चलो मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये वाला सेकंड लास्ट हो गया मेरे लिए, ठीक है, और ये जी मेरे लिए सर, क्या बन गया, ट्रेंड लाइन। तो अभी ट्रेंड लाइन क्या अभी काम में, यस यस, जो हम हो गया, देखने चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ठीक जी सर, है, अब इस मार्केट का ये सेकंड लास्ट हाई है, ये सेकंड लास्ट हाई लो है, क्या कौन सा मानू, ये वो मानू या मिडिल ये वाला, मानू, मिडिल ये वाला वाला सर, मानू, मिडिल वाला। मिडिल नहीं वाला नहीं मानू, नेक्स्ट ये उसका। हाँ सर, लो नहीं है, लो नहीं है सर। ये एक, यहां से मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर यहां से मार्केट सर, नीचे आई, ये मानू बेस्ट रहेगा, ये मानू बेस्ट रहेगा, या नहीं ये तो सारी सर, ओपन प्राइस है, ये तो सारी जी सर, ओपन प्राइस है, मिडिल वाला सर, एम की सर, मिडिल वाला, मिडिल नेक्स्ट पोजीशन, लास्ट, एम हम की अभी मिडिल ये वाला पोजीशन। मानेंगे, क्या मानेंगे, अच्छा, ये देखो, अगर इसकी लिक्विडिटी हंट करनी होती ना, तो प्राइस यहां पर आके वापस चली जाती, ये प्राइस नीचे क्यों आई, इसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए आई है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगे होंगे ना,
जी इसके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट आई, स्टॉप लॉस हंट हो गए और मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, वापस ऊपर चली गई, ट्रेंड लाइन नहीं लगी। लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपने टेक्निक करनी है, क्योंकि एसएमसी सिंपल एजुकेशन तो नहीं है, बहुत बड़ी एजुकेशन है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो लो है ना, इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अगर ये लेवल नीचे ब्रेक हो जाए, वेट करो, अगर ऊपर लेवल ब्रेक हो जाए, एक ब्रेकआउट नीचे, एक ब्रेकआउट ऊपर, बाकी 5 मिनट के लिए ऊपर जाएगी, 5 मिनट नहीं, ये ट्रेंड ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमने तो 5 मिनट का ट्रेड करना है ना, सही है, यस सर। ठीक हो गया। अब ये वाली जो लेवल है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके कितनी दफा मार्केट यहां पर टच करके आई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे कि नहीं होंगे? तो यस सर होंगे। ये स्टॉप लॉस जब हंट होंगे तो फिर मार्केट नीचे आएगी, तो ब्रेकआउट ट्री होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा सर। डबल ब्रेकआउट, मतलब फर्स्ट वाला ब्रेकआउट नहीं, लास्ट वाला ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहां पर ये वाली लेवल का मार्केट ने क्या किया, ऑपरेशन किया, किससे ऑपरेशन किया, ये देखो ऊपर ब्रेकआउट हो गया भाई, हाँ, यस सर। मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, अब उसके बाद जी मार्केट सर। नीचे गिर गया। पहला ट्रेड करो इस ब्रेकआउट के पास, एक दो तीन चार पांच लॉस हो गया, दोबारा आप ट्रेड करो, 1 2 3 4 5 विन हो जाएगा। अगर इन केस में पहला ट्रेड लॉस हो जाए तो आपने दूसरा ट्रेड इमीडिएटली करना है, ये इसकी लॉजिक है, ये इसकी लॉजिक है। लाके अब यहां पर बताइए मुझे, ये वाला मैं इसको मान सकता हूं कि ये सेकंड लास्ट लो है और ये आखिरी लो है, ये लास्ट है और ये लास्ट सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट के नीचे लाइन लगा सकता हूं, सही है, ये लाइन लगा दी। कब ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, हाँ, सर। लगाते हैं ट्रेंड लाइन भी, ट्रेंड लाइन ने यहां पर ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन ने कहां ब्रेकआउट किया, यहां पर, ऑलमोस्ट नजदीकी ये यहां पर है, यहां नहीं, पर है, इग्नोर इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे ना सर। बिल्कुल इग्नोर करेंगे। जी सर। अगर मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, मेरा ट्रेड तो विन हो जाएगा, लेकिन ये भी चांस था कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, राइट। ओके मोस्टली मोस्टली कंटिन्यू कंप्लीट हो जाए, मतलब किस सूरत में कर सकते हैं, याद रखिए पहले पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसका रूल क्या है कि पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो, पहले हॉरिजेंटल लेवल ब्रेक हो, उसके बाद ट्रेंड लाइन भले कितना ही दूर ब्रेक हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर आप खाली सिंपल ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड करना चाहो, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मैं 5 मिनट का बाय का ट्रेड करूं, तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी हो जाएगी, लेकिन एसएमसी की स्ट्रेटजी वो नहीं होगी। अब यहां पर मुझे बताइए जरा, क्या मैं इसको मानू कि यह सेकेंड लास्ट हाई है, राइट रॉन्ग, राइट मैं नीचे ट्रेंड लाइन लगा लू, अब सेकेंड लास्ट लेवल और ट्रेंड लाइन साथ ब्रेक हुई कि नहीं हुई, जी सर। यस सर। 5 मिनट का ट्रेड विन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ सर। यस सर हुआ। ऐसी लॉजिक आप लोगों ने सुनी थी कि मैं रिवर्सल का ट्रेड कैसे करूं, मैं रिवर्सल के ट्रेड को आप लोगों को कंटिन्यूशन का ट्रेड बना दिया। आप लोग यहां जी पर सर। रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे होते, किसको ट्रेड कर रहे होते, रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे होते, तो पता नहीं कभी विन होती है, जैसे कि अभी यहां पर अगर रेजिस्टेंस का ट्रेड करते तो विन नहीं होता, ठीक है, मार्केट ऊपर वापस चली गई। तो हमने रिवर्सल ट्रेड को एक प्रोफेशनल ट्रेड बना दिया, जिसमें ये कह ही नहीं सकते कि हम काउंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम काउंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं। सब यूट्यूबर ये बताते हैं कि ऊपर ब्रेक हो जाए तो 5 मिनट के लिए आप ले लो। और हम ये नहीं रूल नहीं सर, आपने बनाएंगे बहुत कि अच्छा बताया। भाई पहला ब्रेकआउट तो फेक होगा, मोस्टली मोस्टली फेक होगा, क्योंकि पहले ब्रेकआउट के ऊपर बहुत सारे लोग एंटर होंगे, सबको फेल कराना है। ठीक अरे है, आपने पहले ब्रेकआउट के ऊपर एंटर नहीं होना, आपने दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर करके देखो, और आप लोगों की ट्रेडिंग में इतनी परफॉर्मेंस आ जाएगी, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि क्या हो गया। मतलब पहले ब्रेकआउट को इग्नोर करो, दूसरे ब्रेकआउट को पकड़ लो, देखो पहले
पहला ब्रेकआउट हो गया। अब अपने आप से पूछो एक सवाल, पहला किसी की तरफ से घर से फैमिली का आवाज आ रहा है, राहुल मेरा सर राहुल की तरफ से आवाज आ रहा है। देखें ब्रदर, यहां पर ये पहला ब्रेकआउट है। हमें क्या पता कि ये सेलर स्ट्रांग है, हमें क्या पता कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है, बायर बड़े स्ट्रांग है यहां पर, हमें तो कुछ पता नहीं है, यूं समझो हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट फेल होके ऊपर का ब्रेकआउट हो जाए तो क्या पता चला, बताओ कौन कौन वीक है। पहले सेलर पता था सेलर वीक है, लेकिन नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गई ना एक्यूरेट वाली। यस सर, अब जी अगर बायर के सर, साथ जाओगे लॉस भी हो जाए दुख नहीं होगा ना, आपको बोला गया ना यार मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि सेलर वीक है, उसने ब्रेकआउट फेक कर दिया, मार्केट को रिवर्स करा दिया, बायर आ गए थे, मैं तो बायर के साथ सही जा रहा था लेकिन लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, मोस्टली तो आपका विन होगा क्योंकि पहला ब्रेकआउट फेल जब होता है तो दूसरा विन होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि हर एक बंदा ये एजुकेशन देता है कि पहला ये ऐसी कैंडल होगी तो ट्यूब ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आप लोगों ने एंटर होना है 5 मिनट के लिए सेल के लिए, मैं सेल के लिए एंटर होने का बोलता ही नहीं हूँ पहले ब्रेकआउट के ऊपर, मैं कहता हूँ कि ये उल्टा रिवर्स ब्रेकआउट होगा तब हम जाएंगे ऊपर उसके साथ और मोस्टली विन होगा। क्योंकि आप जब ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग होती तो क्या किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत थी क्या आपके पास। अगर आप लोग ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते थे तो सक्सेसफुल होती तो फिर आप तो पैसा कमा रहे होते, मतलब सक्सेसफुल नहीं थी स्ट्रेटजी वो ब्रेकआउट की जो हम ट्रेड करते थे डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट को ट्रेड नहीं करो, एक दफा रिवर्स होने दो उसको, फेल होने दो, फेल होने के बाद जो आप ब्रेकआउट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ दम तो होगा, वो आपको लेके जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हम इक्वल लेवल के ऊपर चलते हैं। इक्वल लेवल बहुत करीब होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक लेवल यहां पर बने और एक लेवल यहां पर बने बने बोलो के सर देखो दोनों इक्वल लेवल है ना, अब यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो मैं ट्रेड करूं, नहीं देखो मैंने बिल्कुल कंजेस्टेड बनाया था, ये बिल्कुल करीब में होंगे, ये बिल्कुल करीब करीब में होंगे, दूर दूर से आपने नहीं लेना। फॉरेक्स में हम दूर दूर से लेते हैं लेकिन बाइनरी के लिए दूर दूर से काम नहीं होगा। सर 10-15 कैंडल चलेंगी ना। हाँ 10 15 20 कैंडल 30 कैंडल भी चलेंगी ठीक है, लेकिन 200 कैंडल 250 कैंडल नहीं चलेंगी। सही है, ओके सर, अब हम यहां पर एक लेवल को ढूंढते हैं, देखते हैं कि कहां पर हमें कैसे मिलता है। से तो देखो कैसा बेहतरीन सेटअप मिल गया, मैं ऐसे सेटअप का हमेशा इंतजार करता हूं। कितनी लेवल है क्यों, 2 2 है या लेवल की भरमार है। लेवल ज्यादा है। ब्रेकआउट हुआ नीचे, हाँ यस सर, ब्रेकआउट हुआ ऊपर, बस 5 मिनट के लिए से बाय कर दो, डन आपका काम हो गया, दिन में बहुत सारे मिल जाएंगे ट्रेड से। यस नहीं तो पता है लोग क्या सोचते हैं, रिटेलर क्या सोचते हैं, यार काफी टाइम कंसोलिडेशन के बाद सेलर ने बड़े स्ट्रांगली मार्केट को नीचे ब्रेक किया, अब तो सेल के लिए जाना चाहिए 5 मिनट के लिए, और जैसे सेल करते हैं वो उनका मार्केट को ऊपर चली जाती है, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ये तो, हम सेल के साथ नहीं जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे, बाय के साथ। अच्छा बायर के ठीक साथ है, अगर सेल ट्री हुए तो बायर जाने दो इसको, सेल ट्री हुए तो जाने दो इसको, हमें क्या है, हम तो वेट कर रहे हैं कि ये फेक हो जाए, फेक हो तो हम राइट वालों के पास जाएं, राइट लोगों के पास जाएं, ठीक है इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। अब यहां पर भी सेटअप बना के नहीं बना, देखो बोलो बोलो एक क्यों लाए हैं, बना बना। यस सर ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, यस सर, नीचे का ब्रेकआउट हो गया, हो गया ऊपर का सर, ब्रेकआउट फेल हो गया ना, हाँ कितने लोगों ने बाय किया होगा यहां पर, हम तो इसके साथ सेल करेंगे 5 मिनट के लिए, रोड ऐसी 5 एंट्रीज आपको दिन में मिल जाएं, वेट कर सकते हो ना, श्योर शॉर्ट एंट्रीज, एक बिल्कुल बार टारगेट कंप्लीट हो सकता है। आज मेरे एक स्टूडेंट ने 5 क्लास उसके हुए हैं पाकिस्तान से, उसने $1300 आज कमाए आज के दिन में, तो मैंने कहा कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा लिए, कह रहे सर आपने ऐसा पढ़ाया,
बस मैं उसी तरीके से कैंडलस्टिक को रीड करता जा रहा था और मुझे ट्रेंड मिलता जा रहा था, और ऐसे करते करते मुझे $1,300 मैंने कमा लिया। अभी उसका कोर्स चल रहा है, कह रहा था मैंने जो सर आपको यही वाला फीस, कोर्स जो हम कर रहे हैं। सेम वही कोर्स जो बेसिक आप लोगों को दे, आप लोगों को तो ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, उनको तो, उसको तो इतना ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, बस यही हमें करना है सर। वो बस सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डाउटफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह से एजुकेशन ली होती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेश होते हैं, फ्रेश के माइंड में जो डालो बस वही डल जाता है, और जो थोड़े से पुराने ट्रेडर होते हैं उनके माइंड में इतने डाउट्स आ चुके होते हैं, वो किसी भी चीज के ऊपर जल्दी में यकीन करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। सही कह रहे हो सर। हाँ यार माइक बंद कर लो कितना रजाक का माइक खराब होता है, रजाक माइक चेंज कर दो ना, सॉरी सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप लोग अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो, टीचर आप लोगों को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, बाकी जो चीजें माइंड में है सर कहीं और से उसको आप लोग इग्नोर कर देना है, टीचर की बात को मानो, जैसे बोले वैसे करो, ठीक कर है दिया ना। सर, क्योंकि सब इग्नोर कर दिया। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कम से कम मेरी तरफ से ना आप लोगों को कोई भी इस तरीके से ऐसा कोई फेक सेटअप नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपका लॉस हो। ये देखो क्या एक्चुअल लेवल्स हैं, सही हो गया काम। राइट कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार ना हम ओपन प्राइस से भी एक लेवल ले लेते हैं, ए विक्स को इग्नोर करते हैं, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना बहुत ज्यादा आप समझ जाओगे, फिर आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते, ठीक है सर, जी ब्रदर। इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का सेट करना है ना। हाँ बाय करने के लिए 5 मिनट, कैंडल 1 मिनट की होगी, एक्सपायरी 5 मिनट का होगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मुझे बताओ सेकंड लास्ट हाई कहां पर है, क्या ये है? सही है, ट्रेंड लाइन कहां पर है, क्या सही ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ, जी सर, राइट मार्केट नीचे जा रही है तो सही जा रही है ना। हाँ सर, ठीक मैंने आपको एक फोटो दिया था सर, वो उसमें काम होगा सर वो चीज, कहाँ है, स्क्रिप्ट वाला एक फोटो दिया था ना मैंने आपको, अब कहाँ पर आपने है, बताया पर्सनल था जब बात, हाँ सर मैंने पार्सनल की थी सर, राहुल बोल रहा था मैं। राहुल बोल रहे हैं, हाँ सर, एक मिनट चेक करते हैं। राहुल क्या है इसमें, ये वाली पिक्चर हाँ सर, ये वाला सर, इसमें क्या है, हाय वो जो हाई लो के बारे में सारी चीज बताया है, ठीक है ना, नहीं कुछ और है, इसको छोड़ो। मतलब आपका जो वो VIP वाला ग्रुप है ना, उसमें उसमें मतलब मैं देखो मिला था। ऐसे मैंने बहुत सारी 200 300 स्टडीज शेयर की हैं, ठीक है, अच्छा जो मैं ये सिलेक्टेड सर, करके आप लोगों को दे रहा हूँ ना बस उसके ऊपर फोकस करो। हाँ देखो ओके मैं सर, ठीक है। मार्केट को अपडेट करता रहता हूँ, मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो आज तक वही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखे हैं और ये वाला कोर्स भी किया है, क्या फर्क है या नहीं है। बहुत ज्यादा सर फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है सर, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है सर, सर, अब जो आने वाला कोर्स होगा उसमें उससे भी ज्यादा डिफरेंट होगा, तो क्योंकि मैं स्टडी, आप लोग कितना स्टडी करते हो। मैं सर फुल नाइट डे में भी रहता है, डे नाइट, मैं बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट होंगे 7 डेज कोई में दो घंटे मैंने स्टडी उसमें करते हैं, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे स्टडी करते हैं, इस तरीके से ना। सर 8 डेज से मैंने सर 2 आवर्स के लिए मैंने सर सोया हूँ, मतलब
ओके, वेरी गेली का स्टडी, कौन, गेली क्लियर होना चाहिए, गेली का कॉन्सेप्ट वेरी ठीक है स्टडी आगे। डेली 8 से 10 घंटे होती है। आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, ये भी तो स्टडी है ना। जी सर 8 से 10 घंटे में जो है ना कर रहा था मैं, जब क्लासेस खत्म करता हूँ उसके बाद फिर मैं 2 से 3 घंटे में फिर पढ़ता हूँ, फिर नई चीजें फिर समझता हूँ, फिर मार्केट को मजीद समझता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग करता हूँ पैनल्स के साथ, बायर और सेलर के साथ बात करता हूँ ताकि वो किस तरीके से एक दूसरे को बात कर रहे हैं। मैं दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करता हूँ, नई नई मार्केट्स को नए नए तरीके वहां से ढूंढता हूँ ट्रेड करने की। तो बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो अगर मैथमेटिक्स की एवरीडे प्रैक्टिस करते थे तो फिर हम उसमें माहिर होते थे, लेकिन अगर हम एक हफ्ता छुट्टियों का गुजार देते थे तो मैथमेटिक्स के सारे फार्मूला भूल जाते थे, फिर नहीं आते थे हमें। तो ये मार्केट भी मैथमेटिक्स की तरह है, इसकी स्टडी करते रहोगे तो इसमें सक्सेसफुल रहोगे, अगर इसको भूल गए तो फिर ये भी आपको भुला देगी मार्केट। जी सर, अच्छा मशीन मिटा अब देगी। यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ी सी रिस्की है लेकिन है बड़ी मजे की, परफेक्ट है। हम डबल जी सर ब्रेकआउट की बात करते हैं ना। हाँ अब देखो, ये लेवल पकड़ी और ये लेवल पकड़ी, एक ब्रेकआउट ऊपर हुआ एक ब्रेकआउट नीचे हुआ, 5 मिनट के लिए सेल करना चाहिए। जी सर तो ये चाहिए लेवल थी। पकड़ी और ये लेवल पकड़ी, एक ब्रेकआउट नीचे हो गया एक ब्रेकआउट ऊपर हो गया, 5 मिनट के लिए बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जी सर है यस ना। सर यस सर अब यहां पर आ जाए, ये लेवल पकड़ी ये लेवल पकड़ी, एक ब्रेकआउट ऊपर एक ब्रेकआउट नीचे, 5 मिनट के लिए सेल करना चाहिए। जी सर हम यहां पर दो लेवल पकड़ी यहां पर, ठीक है, एक ब्रेकआउट नीचे एक ब्रेकआउट ऊपर, 5 मिनट के लिए यहां पर बाय करना चाहिए। 1 2 3 4 5 दिन हो गया। हाँ जी सर सारा दिन इस तरीके से मार्केट करती है, ये लेवल ये लेवल ये लेवल, आखिरी दो लेवल यही है ना। हाँ जी ये बहुत करीब है, इतने करीब आप नहीं पकड़ेंगे, थोड़ी सी दूर दूर लेवल पकड़ेंगे। कैसे, जैसे कि अब नहीं। यहां पर अगर लेवल है और यहां पर अगर लेवल है, ऐसे पकड़े तो हो सकता है। आपने इस ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के लिए क्या किया, ट्रेड 1 2 3 4 5 दिन हुआ कि नहीं हुआ। यस यस उसके जी, उसको बाद भी हुआ। बाद भी हुआ, जहां पर भी आप करना चाहो, ये लेवल और ये लेवल सही हो गया, नीचे ब्रेकआउट हुआ ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 5 मिनट के लिए बाय करूं हो जाएगा। हाँ ये लेवल ऊपर ब्रेकआउट हुआ नीचे ब्रेकआउट हुआ, 5 मिनट के लिए सेल करूं हो जाएगा, हो गया। आपको सारा दिन इस तरीके से मिलता रहेगा, ऐसे भी अगर जी आपको सर, इंटरेस्ट मिले तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने जितनी भी आपको दो फोटो भेजी थी ना डाउट हाँ के लिए, तो हाँ उसमें यही चीज हुई थी, पहले सेलर ने ब्रेक करा, फिर उसके बाद बायर ने ब्रेक करा, कंटिन्यू ऊपर मार्केट गई। इस तरीके से, इस तरीके से आप मार्केट को समझ सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करो, आप जितना हो सके ऐसे आप काम करो। सर होल नंबर में बहुत लॉस हो रहा है सर, राउंड नंबर मन को कर रहा अवॉइड है। करो, अब राउंड नंबर में आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। जी सर देखो ये फॉरेक्स में हम स्ट्रेटजीज के तौर के ऊपर यूज करते हैं राउंड नंबर्स को, जी मतलब सर मैं समझता हूं कि अगर मैं अभी यहां पर 15 मिनट पे जाऊंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा लॉजिक समझाऊं फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये 15 मिनट प्राइस ने नीचे का राउंड नंबर ब्रेक किया, अब प्राइस ने ऊपर का राउंड नंबर ब्रेक किया, जी एक राउंड नंबर ब्रेक किया तो प्राइस का टारगेट क्या है, नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड नंबर। प्राइस ऊपर गई टच नहीं कर पाई, वापस नीचे आ गई, लेकिन ऊपर का राउंड नंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, वापस हो गया पूरा टारगेट। हाँ जी अब इसको ब्रेक नहीं कर पाई, रेजिस्टेंस ले ली, तो अब प्राइस का क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट नीचे की। हो गया अचीव। जी प्राइस यहां से सपोर्ट लेके वापस नीचे का ब्रेकआउट किया, अब प्राइस का टारगेट क्या होना चाहिए,
नेक्स्ट हो गई अभी। ये भी अचीव हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये मैंने चार्ट को छोटा कर लिया। प्राइस इसी राउंड को ब्रेक नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही थी, नीचे नहीं आई। जब ऊपर आखिरी दफा ब्रेकआउट किया तो अगला राउंड नंबर का टारगेट हिट हो गया। उसको भी ब्रेक किया तो अगला राउंड नंबर का टारगेट तकरीबन हिट हो गया। फिर जी सर। प्राइस अगले राउंड नंबर तक आई, फिर आगे नहीं चल सकी तो अगले राउंड नंबर तक आई, फिर ऊपर राउंड नंबर तक गई। फॉरेक्स में हम राउंड टू राउंड चलते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो राउंड प्राइस तक बाय सेल करते हैं। जी सर। तो राउंड प्राइस कभी एज ए सपोर्ट इन्वेस्टर्स काम करती भी है, कभी नहीं भी करती। आपको कैसे पता चला कि आज अभी राउंड नंबर पे लोग बैठे हुए हैं बाय करने के लिए? नहीं पता चलेगा ना। अगर बैठे हैं तो आपकी सपोर्ट काम करेगी, अगर नहीं बैठे हुए तो सपोर्ट काम नहीं करेगी राउंड नंबर की। तो मैं राउंड नंबर की सपोर्ट इन्वेस्टर्स को स्ट्रांग नहीं समझता बाइनरी के लिए, लेकिन मैं राउंड नंबर की सपोर्ट इन्वेस्टर्स को इग्नोर भी नहीं करता। आप लोगों ने क्या काम करना है, 5-15 मिनट की कैंडल्स को वहां पर राउंड नंबर आपने लगा लेना है। ये 00 या 000 वाला राउंड नंबर होगा, ठीक है? जी जितना हाई टाइम फ्रेम उतना राउंड नंबर बड़ा होगा। ये 30 वाला राउंड नंबर है, ठीक है? ये लगा लो, ये देखो 30 वाला है ना, ये सब 30 जी वाले सर। राउंड नंबर है। पीछे हो ही से रिवर्सल हो रहा है। अब ये वाले पे आपके 1 मिनट पे आपके रिवर्सल्स आएंगे, ठीक है? मैंने ये चार लगा लिए, जी सर। अब यहां पर आ गया। अब बताओ, ये थोड़ा सा राउंड नंबर को सेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो वहां पर दिखता नहीं है ना सही से। ये देखो, ये राउंड नंबर से मार्केट में रिवर्सल रिवर्सल हुआ आ रहे हैं। अब ये वाला जो है ना राउंड नंबर 00 वाला है, जी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे 00 आप लगा सकते हो, लेकिन इसका कलर फिर आप अपने ज़हन में रख लो कि इसका कलर क्या होना चाहिए। जैसे कि इसका कलर जी आपने येलो कर दिया, भाई येलो वाला 00 है, और ग्रीन वाला या ब्लू वाला जो भी कलर रखना चाहो वो 000 है। तो यह भी इसी तरीके से ही काम करेगा, जैसे वो 15 मिनट पे एक राउंड प्राइस से दूसरे राउंड प्राइस तक जा रही थी, तीसरे से चौथे पे जा रही थी, ऐसे यहां पर भी ऐसे करेगा। तो आप ये समझो, अब नीचे का ब्रेकआउट हो गया ना, हाँ, जी सर। तो प्राइस का अगला टारगेट क्या होना चाहिए? अगला नेक्स्ट राउंड नंबर। नीचे तो के मतलब अगर प्राइस यहां से यहां तक आएगी तो मैं सेल की एंट्रीज को ढूंढूं, जी ऐसे भी मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ ना टारगेटिंग के। अब यहां से प्राइस ऊपर गई, रिटेस्ट किया, ऊपर कहां जाएगी? ऊपर जा रहा है तो अगले नेक्स्ट राउंड नंबर तक तो जाएगी, तो जी सर। मतलब इसमें मैं बाय की एंट्रीज ढूंढूं। अब वहां से नीचे आ रही तो कहां तक जाएगी? प्राइस अगले राउंड नंबर तक तो जाएगी, फिर यहां पर सेल की एंट्रीज ढूंढूं। लेकिन याद रखो कि राउंड से रिवर्स भी होती है, राउंड को ब्रेक करके कंटिन्यू भी करती है। इसका मतलब है कि राउंड की ऐसे ना काम करती है अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, जी लेकिन सर। इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट नहीं बिलीव कर नहीं कर सकते तो सकते फिर इग्नोर तो कर सकते हैं ना कम से कम। जी सर। ये राउंड नंबर कैसे ना रहे, कभी तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। क्योंकि देखो कि हर एक ट्रेडर ना उसकी लॉजिक अपनी होती है। बहुत सारे लोग राउंड नंबर के ऊपर अपनी लिमिट छोड़ देते हैं कि यहां पर प्राइस आए तो बाय हो जाए, यहां पर प्राइस आ जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, यहां पर प्राइस आ जाए तो टीपी हिट हो जाए, यहां पर प्राइस आ जाए तो इस राउंड नंबर पे एसएल हिट हो जाए। तो इन सारे ऑर्डर्स को बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। तो पेंडिंग ऑर्डर हमेशा राउंड नंबर्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है? इसलिए ये लेवल यूज होती है, ज्यादातर फॉरेक्स में यूज होती है, हम वहां पर करते हैं। हम सर कौन सा लेवल फॉलो करूँ सर अभी के लिए, अभी थ्री देखने जीरो के वाला लिए? और 20 वाला, ओके 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 जी ठीक है सर। इसको मतलब चार्ट ओपन करके पहले इसको लगा लेता हूँ, 15 मिनट कैंडल करके ऐसे हाँ। लेकिन लगा इसको लेंगे बस। इसको ऐसे कीजिए, मतलब कैसे, इसका इसकी जो है ना, अगर आप IQ ऑप्शन यूज करते हो तो इसको बिल्कुल लाइट कीजिए, ताकि जी, जनक पता चलेगा आपको बस, आपको डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब ना करे। और उसके जी बाद जी सर इसको लॉक जी कीजिए। अब आगे पीछे भी नहीं होगी, आगे पीछे भी नहीं होगी, ठीक है? और वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यार, आप थोड़े से एक्टिव हो जाए। अब जब ये क्या राउंड नंबर नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, पीछे लाइन तो लगी हुई हाँ ऑलरेडी, सर जी सर। लाइन भी लगी होती है, ठीक है? अपने हिसाब से इसको लगाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से लगाएंगे लगाए, नहीं। हाँ, जी सर ठीक ठीक है? है सर। आज की इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोग
थोड़ी सी स्टडी कीजिए, कल की क्लास में बस डिस्कस करेंगे। कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस, ठीक है, ताकि प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम वॉल्यूम की तरफ चलेंगे अगले दिन। कल का दिन इंशाल्लाह हम सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करते हैं। आज के लिए जी इतना है, सर, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक धन्यवाद सर, जी यू। सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर।